मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 27 जून को पुनः मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। भोपाल में फिर दो वंदे भारत ट्रेन भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर प्रारंभ करेंगे हरी झंडी दिखाकर। उसी दिन फिर शहडोल में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस का आयोजन किया गया है। वीरांगना रानी दुर्गावती भारत के शौर्य का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है। हम सब उनको अत्यंत श्रद्धा और आदर के भाव से देखते हैं। रानी दुर्गावती जी का बलिदान अकबर की फौजों से लड़ते लड़ते 24 जून को हुआ था। हम हर साल बलिदान दिवस पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। इस बार तय किया है सरकार ने कि 22 जून को बालाघाट से शहडोल, छिंदवाड़ा से शहडोल, सिंग्रामपुर दमोह से शहडोल, कलिंजर फोर्ट उत्तर प्रदेश जहां उनका जन्म स्थान था वहां से शहडोल और धौनी से शहडोल वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का शुभारंभ भारत के गृह मंत्री सहकारिता मंत्री आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी के द्वारा होगा। 22 तारीख को बालाघाट से वो यात्रा का प्रारंभ करवाएंगे और वीरांगना रानी दुर्गावती जी के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे। ये 5 यात्राएं वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्राएं निकलेंगी और पूरे रूट पे गांव गांव होते हुए जहां यात्राएं जाएंगी वहां वीरांगना रानी दुर्गावती जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे, उनके कामों के बारे में वैसे सब जानते हैं लेकिन फिर भी नई पीढ़ी को बताया जाएगा। अनेकों प्रकार के कार्यक्रम रास्ते में होंगे और इन सभी 5 यात्राओं का समापन 27 जून को शहडोल में होगा। शहडोल में माननीय प्रधानमंत्री जी भी रानी दुर्गावती जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे और 2 बड़े अभियान, 1 सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है उससे भारत को मुक्ति के लिए कार्यक्रम को लॉन्च करेंगे और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड मंच से प्रतीकात्मक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने हर गांव में और शहर में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इन्हीं कार्यक्रमों में आयुष्मान कार्ड हर गांव में और हर शहर में वितरित किए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना
प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की अभिनव योजना है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का गरीब का इलाज निशुल्क करवाया जाता है, रोगों से मुक्ति मिलती है। इसलिए ये दो बड़े कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों संपन्न होंगे ये वर्ष। रानी दुर्गावती जी के जन्म का 499 वर्ष अभी चल रहा है। 5 अक्टूबर को 500वां जयंती का वर्ष प्रारंभ होगा, तो एक विशेष वर्ष है। और जिस अप्रतिम सौर स्वाभिमान अकबर जैसे जिनके पास बड़ी फौजें थी उनके सामने रानी झुकी नहीं, संघर्ष किया, वो सुशासन की प्रतीक थी, युद्ध लड़ी और अंततः बलिदान दिया। 500वां जन्म दिवस भी उनका प्रारंभ हो रहा है, तो एक विशेष अवसर है, हमारा सौभाग्य के प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं और रानी दुर्गावती जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे।